हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाला कुछ टॉप 10 कार्स जो मैंने आप लोग के लिए कन्वर्ट करी है। इनमें से कुछ है आप लोग के स्पेशल रिक्वेस्ट करी हुई व्हीकल्स और कुछ है SUV फोर डोर कार। सभी को आप मैं एक पैक बना के आप लोग साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरी 10 कार से जो आप लोग साथ शेयर कर रहा हूँ, सभी व्हीकल्स की काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आपको मैंने इसके अंदर दिया है। हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी इन व्हीकल्स की मैंने आप लोग को दिया हूँ। इन सभी व्हीकल्स को अगर आपको खेलना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इनकी डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और रिव्यू आप लोगों को दिखा दूंगा, और इसका पासवर्ड भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा इन व्हीकल्स का। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं इस टाइप की व्हीकल्स और GTS चैनल्स के मोड आप लोग साथ शेयर करते रहता हूँ। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक जरूर करना, अगर आपको इनमें से कोई सी भी कार आपको पसंद आती है तो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड।
सो गाइस आप लोगों ने सभी कार्स का प्रीव्यू देख लिया तो आप इसकी डाउनलोडिंग भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। सो गाइस डाउनलोडिंग के लिए आपको आना है मेरी वेबसाइट पे, आप गूगल पे सर्च कर लेना modinfio.com, आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे डायरेक्टली। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा रिसेंट वाला पोस्ट, देख लिए टॉप 10 कार वाला लग्जरी फोर्डो कार वाला, ठीक है। आपको इसे ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको नीचे के साइड आना है, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिए गए व्हीकल्स के देख लीजिए और कार्स के लिस्ट भी दी गई कौन कौन सी कार आपको मिलने वाले हो। नीचे साइड दिए गए एक टास्क जो कि है लॉक है, ओके आप इसे डायरी ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इसे ओपन करने के लिए एक सिंपल सा काम करना होगा, कोई सी भी ऐड जो आपको पसंद आती है उस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे देख लीजिए ऊपर भी आपको ऐड दिखने वाली है, नीचे भी ऐड आपको दिखने वाली है, ओके यहाँ पे आपको एक ऐड पे क्लिक करना है, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ओके तो आपको एक ऐड पे जरूर क्लिक करना है। अगर आप ऐड पे क्लिक नहीं करोगे तो लिंक अनलॉक नहीं होगी, ओके और हम आप लोगों के लिए इतने फ्री में मोड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अगर आप एक ऐड पे क्लिक कर दोगे तो आपको हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाओगे, ओके तो प्लीज़ एक ऐड पे जरूर क्लिक कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया हो, अब यहाँ पे आपको उसका ऐड का एक यूआरएल पेज ओपन होता है, अब उसके यूआरएल आपको कॉपी करना होगा। इस तरह से आपको उस ऐड का यूआरएल कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको उसे बैक आना है, बैक आ जाइए अपनी वेबसाइट पे वापस। वापस आने के बाद आपको नीचे के साइड आना है, देख लीजिए नीचे के साइड आ जाइए और जो भी हमारा टास्क दिया गया था जो पूरी तरह से लॉक था, ओके उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक है टू डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अभी जो हमने ऐड का यूआरएल कॉपी किया था उसे आपको पेस्ट करना है, ओके कर दीजिए, ओके अब आपको ये बोलेगा कि सब्सक्राइब मोडिफाइड टू अनलॉक डाउनलोड, ठीक है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा, तब जाके आपको लिंक अनलॉक होएगी डाउनलोड के लिए। सभी स्टेप को फॉलो करना है, आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और यहाँ पे नीचे की साइड भी देख लीजिए, आपको काफ़ी सारे मोड दिख जाएंगे, जो ऐड आपको मोड आपको पसंद आता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बैक आ जाना है, आप ये बोलेगा कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो ये सब कुछ करना है आपको, करने के बाद आपको बैक आ जाना है, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको वापस बैक आ जाइए, ओके। सब कुछ करने के बाद आपके डाउनलोड के लिंक अनलॉक होएगी और मीडिया फायर के लिंक आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, डिकम्प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर दे चुका हूँ, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको पासवर्ड मिल गया होगा, अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा होगा तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। मैंने पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर ऑलरेडी कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो आप वीडियो स्किप करिए तो आपको नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए, ओके। पासवर्ड डालने के बाद आपको उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, हमारे एक फोल्डर आ चुका है, इसके अंदर हमें जाना है। यहाँ पे आपको पूरी 10 कार मिल जाएगी और हैंडलिंग का डाटा भी आपको मिल जाएगा नीचे की साइड, और यहाँ पे आपको मैं सिर्फ एक ही कार को इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। आपको उसी मेथड को आपको सभी पे अप्लाई करना है, फॉलो करना है, उसी तरह से आपको सभी कार्स को इंस्टॉल करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कार को इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, ओके। टेक्चर से देख लीजिए विथ अल्फा में जाएंगी और एक हमारी बुलेट डॉट डेव है, ओके। साथ में मैंने कुछ व्हीकल्स के स्क्रीनशॉट भी दे रखा हूँ किस टाइप की दिखती है व्हीकल्स, ओके। तो ये रहा हमारा टेक्चर्स और ये हमारी डेव फाइल्स, ठीक है। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, पहले टेक्चर्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं टेक्सजी टूल से, ओपन कर लीजिए। क्या कि आप GT3 या टेक्सजी दोनों में से किस में डाल सकते हो आपकी चॉइस, विथ अल्फा है तो विथ अल्फा सेलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम इमेज जाने के बाद, और यहाँ पे आपको जो हमने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर आपको जाना है और सारे के सारे टेक्चर्स को सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओवरराइड करना है और यहाँ पे 1K सेलेक्ट कर लीजिए, ओके और ओके कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस हमारे सारे टेक्चर इंपोर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें इसकी डीएफ फाइल्स को रिप्लेस करना है, तो ओपन कर लीजिए अपना IMG टूल, ठीक है। ओपन कर दीजिए अपना IMG टूल, ओपन करने के बाद इसको अपने जो GT3.img होती है उसको आपको ओपन करना है। इसमें 23 GB होती है हमारी GT3.img। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड फाइल विद रिप्लेस पे कर लीजिए, और आपकी जो कार्स की डीएफएफ फाइल होती है वो आपको लेनी है, जो यहाँ पे हमारी थी bullet.dff, ये रही।
सेलेक्ट कर लीजिए, ये प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे, उसके बाद आपको उसे रिबिल्ड कर देना है। ओके सो गाइस, ये थी मेरी कुछ बेहतरीन कार जो मैं आप लोगों के लिए कन्वर्ट किया था, आप लोगों से शेयर कर भी दी मैंने, आप लोग मांग रहे थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।